बड़ी खबर 2024 को लेकर नीतीश की नेताओं के साथ बैठक। नीतीश ने घर पर विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई और जो अभी भी चल रही है। सीपीआई नेता डी राजा की नीतीश कुमार के साथ बैठक खत्म हो गई है। अब सांसद संजय सिंह नीतीश कुमार से अब मिलने पहुंचे हैं। कल अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। सीताराम येचुरी ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की है। नीतीश कुमार के घर विपक्षी नेताओं की बैठक लगातार जारी है। सीपीआई नेता डी राजा की नीतीश कुमार के साथ बैठक खत्म हो गई है। संजय सिंह मिल रहे हैं, ऋषिकेश जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषिकेश, कल ही जिम्मेदारी मिली है नीतीश कुमार को और आज कोशिशें उन्होंने शुरू भी कर दी। बिल्कुल मिपनेस, अब तक चार बड़े नेता मुलाकात कर चुके हैं। अभी सीताराम येचुरी अंदर हैं, तकरीबन 20 मिनट से मुलाकात चल रही है। डी राजा इसके पहले मुलाकात कर निकल गए, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मुलाकात कर निकल गए हैं और थोड़ी देर के बाद माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी मिलेंगे। इसके पहले जब पिछली बार नीतीश कुमार दिल्ली आए थे तो इन तमाम नेताओं के उनके पार्टी दफ्तर में जाकर नीतीश कुमार मिले थे। उसके बाद ये मुहिम लगभग ठंडी पड़ गई थी, लेकिन कल की बैठक के बाद नीतीश कुमार काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने उनका स्वागत किया है, जिस तरह से शरद पवार दिल्ली आने वाले हैं और उसके पहले उन्होंने कहा कि कल के बैठक में उन्हें बुलाया गया था लेकिन कारणवश नहीं गए, लेकिन वो दिल्ली पहुंचेंगे तो वो कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार के मसले पर। तो नीतीश कुमार के पक्ष में चीज़ें बननी और बदलनी शुरू हो गई है। लेकिन एक और जानकारी विपनेश में आपको दे दूँ कि नीतीश कुमार की पार्टी के ही जीतनराम मांझी हम के जो मुखिया हैं वो इसके ठीक बगल में 100 मीटर की दूरी पर गृह मंत्री अमित शाह का घर है, उनसे मुलाकात करने वाले हैं। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं को जोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ बिहार में उनके सरकार में शामिल जीतनराम मांझी गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि ये मुलाकात देश रत्न देने को लेकर है। दशरथ मांझी जो यहाँ के माउंटेन मैन है, श्री कृष्ण जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और कर्पूरी ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।